बनाने जा रही हूँ राखी स्पेशल नमक पारे। रक्षाबंधन वाले दिन सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, बहनें भाइयों के घर जाती हैं, भाई बहनों के घर आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा नाश्ता सब चलता रहता है, इसलिए मैंने थोड़े से नमक पारे आज बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने ले ली है मैदा। मैंने 1/2 kg मैदा ली हुई है और इसमें मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी ये कलौंजी। कलौंजी बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका नमक पारे में। इसके बाद हम लेंगे ये अजवाइन। इसके बाद हम लेंगे नमक, स्वादानुसार नमक, आपको कम ज़्यादा जैसा भी लगे आप वैसा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आप सबसे लास्ट में लेंगे ये रिफाइंड ऑयल। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आटे को रखे हुए पिछले 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें से छोटी छोटी गोली तोड़ तोड़ कर, थोड़ा थोड़ा आटा लेने के तोड़ तोड़ कर हम इस तरीके से एक बड़ी सी पूड़ी बेल लेंगे। पूड़ी बेलने के बाद हम ये इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। इस पर धीरे धीरे करके रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। इसके बाद ये मैदा इस पर थोड़ी थोड़ी सी भुरा देंगे। फिर हम इस तरीके से इस पर ऐसे करेंगे, फिर धीरे धीरे करके राउंड इसको ऐसे ऐसे राउंड 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 इसको के बाद हमें चाकू की सहायता से इसके बराबर बराबर के पीसेस काट लेंगे। देखिए फ्रेंड, कट करने के बाद ये देखिए आप बिल्कुल एक 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 लेयर इसमें आप दिख रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके इस पर बेलन चलाएंगे। इसके बाद फिर इसमें हम ऐसा रिफाइंड ऑयल लगा के इसमें थोड़ा सा मैदा भुरक के इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से हम कई सारे तिकोने परतदार नमक पारे बनाएंगे और फोक की सहायता से हम इसमें छेद करेंगे, जिससे हमारे नमक पारे जो हैं वो फूले नहीं और अच्छे सिके, अंदर तक अच्छे सिके, और एक एक करके इसी तरीके से कई सारे बनाते जाएंगे। इसके बाद इनको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, नमक पारे सिक्के तैयार हो गए हैं। बहुत ही सुंदर और सुनहरे सुनहरे सिक्के हुए हैं फ्रेंड्स। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा। और ये नमक पारे, तिकोने परतदार नमक पारे, हमारे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो इस समय स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।